कुछ बेसिक पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए हिस्ट्री के बारे में हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि हमें पता चले कि डार थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन असल में है क्या ताकि हमें विदाउट कन्फ्यूजन सब क्लियर हमारे माइंड में रह जाए फिट हो जाए फिक्स हो जाए तो चलिए कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं चार्ल्स डार्विन ने जो ये थ्योरी सॉरी चार्ल्स डार्विन ने जो ये वोएज यानी समुद्री सफर वोएज यानी समुद्री सफर जो चार्ल्स डार्विन ने स्टार्ट किया था 1831 में और खत्म किया था 1836 में चार्ल्स डार्विन ने जो ये सफर स्टार्ट किया था 1831 में जब इसको इनवाइट किया था एस जे हेंसलो जब इसको इनवाइट किया था एच जे हैंस्लो ने और उस वक्त जो इस शिप का जिस शिप में जिस जहाज में इसने सफर किया उसका कैप्टन था रॉबर्ट फिज रॉय रॉबर्ट फिज रॉय उस शिप का कैप्टन था जिस शिप में चार्ल्स डार्विन ने जो वोएज थी वो स्टार्ट की लेकिन इनवाइट इसको किसने किया एच जे हैंस्लो ने लेकिन जब इसको एच जे हैंस्लो ने इनवाइट किया ताकि ये हमारे साथ आए वो एक्चुअल में ढूंढ रहे थे ताकि हमारे साथ एक नेचुरलिस्ट आ जाए डार्विन तब तक नेचुरलिस्ट था डार्विन एक नेचुरलिस्ट था तो इसको इनवाइट किया गया ताकि जहां भी हम जाए ये चीजों को ऑब्जर्व कर सके ये नेचुरली चीजों को ऑब्जर्व कर सके इसीलिए चार्लिस डारविन को इन्वाइट किया गया एस जे हैंस्लो ने उस वक्त इस शिप का कैप्टन था रॉबर्ट फिज लेकिन जो ही इसको इन्विटेशन मिली असल में ये क्लर्जीमैन यानी बनना चाहता था इसके बाप की भी यही ख्वाहिश थी लेकिन जब इसको इनविटेशन भेजी गई तो इसका फादर जो था इसका बाप जो था जो फादर इसका था जिसका नाम था रॉबर्ट डार्विन रॉबर्ट डार्विन इस रॉबर्ट डार्विन ने चार्ल्स डार्विन को इस वॉयज पे जाने से मना कर दिया क्योंकि वो चाहता था एक क्लर्जीमैन बने और दूसरा जो ये सफर था समंदरी सफर था इसमें खतरा भी बहुत ज्यादा था इसलिए चार्ल्स रबो डार्विन जो है इसने चार्ल्स डार्विन को वहां जाने से मना किया लेकिन साथ में ही इसने चार्ल्स डार्विन को एक एडवाइस दे दी कि अगर दुनिया में कोई भी बंदा इसको यह सलाह देता है यह एडवाइस देता है कि उसे इस वो पे चला जाना चाहिए तो मैं भी इजाज़त दे दूंगा यानी रॉबर्ट डार्विन जो इसका फादर था इसने एडवाइस दे दी इसने सजेशन इस दे दी कि चार्लिस डार्विन को अगर दुनिया में कोई भी बंदा वहां जाने की एडवाइस देता है मशवरा देता है तो मैं भी इसको वहां जाने की इजाज़त दे दूंगा और उस वक्त रॉबर्ट डार्विन की नज़र में रॉबर्ट डार्विन की नज़र में उस वक्त सबसे ज़्यादा जो रेस्पेक्टफुल और बंदा जो था वो था वेजवुड वो था वेजवुड यानी जो चार्लिस डार्विन का अंकल था वो ज्यादा लॉयल था रेस्पेक्टफुल था इसीलिए मशवरा वेजवुड से पूछा गया और फॉर्चुनेटली वेजवुड ने चार्लिस इजाजत दे दी जिसमें डार्विन डार्विन रॉबर्ट ने पहले इसको लेटर लिखी थी फिर वेजवुड ने वापस लेटर लिखी थी रॉबर्ट डार्विन को कि इसको इजाजत दी जाए और उसके बाद रॉबर्ट डार्विन ने चार्लिस डार्विन को इस शिप में जाने की इजाजत दे दी थी जिस शिप से चार्लिस डार्विन ने सफर किया था वोज स्टार्ट की थी उस शिप का नाम है एच एम एस बीगल एच एम एस बीगल यानी कहा जाता है क्योंकि उस वक्त डॉग्स को बीगल कहा जाता था ग्रुप ऑफ डॉग्स को बीगल कहा जाता था और डॉर्विन जो था वो डॉग लवर था इसको डॉग लवर के नाम से जाना जाता था जिस तरह अल्बर्ट आइनस्टाइन को द लेजी डॉग कहा जाता है इसी तरह डॉर्विन को डॉग लवर कहा जाता है और इसका जो फेवरेट डॉग था वो था पॉपी जिसकी वजह से इसको कहा गया है एच एम एस बीगल हिज मैजेस्टी शिप तो अब जो चार्लिस डार्विन है इसने प्लान किया और अब इसने स्टार्ट जो है अपनी जर्नी स्टार्ट की लेकिन प्लान था दो साल जाने के लिए लेकिन वहां पे जो टाइम है वो एक्सटेंड हो गया और फाइव इयर्स का टाइम वहां पे इनको लगा लेकिन रास्ते में चार्लिस और रॉबर्ट फिजरॉय जो इस शिप का कैप्टन था इनके बीच में हो गई इनके बीच में लड़ाइयां स्टार्ट हो गई क्योंकि जो जो रॉबर्ट डार्विन था वो नेचर को ऑब्जर्व कर रहा था वो कोई भी कमांडमेंट फिज फिजरॉय की नहीं मान रहा था इसकी वजह से इन दोनों में जो थोड़ा टकराव हो गया बाद में जो रॉबर्ट फिजरॉय है उसने अपोलोजाइज किया माफी मांगी और फिर रॉबर्ट जो चार्लिस डार्विन है वो उसने अपना जो ये वोएज है वो कंटिन्यू की तो अब स्टार्ट होती है चार्लिस डार्विन की थोरी अब जो डार्विन है अब ये ऑब्जर्व कर रहा है चीजों को अब ये चले जाते हैं आइलैंड्स पे चले जाते हैं अब जो चार्लिस डार्विन है आइलैंड्स पे चले जाते हैं जिनको हम कहा जिनको कहा करते हैं जिनको बायोलॉजी ने गोला पोगास का नाम दिया है जिनको गोला पोगास आइलैंड्स कहते हैं जिनको कहते हैं आइलैंड आइलैंड उसी चीज को कहते हैं है, उस एरिया को कहते हैं जिसके चारों तरफ से पानी हो और बीच में लैंड हो उसको हम कहते हैं आइलैंड और जहां पे डार्विन नेचर को ऑब्जर्व कर रहा था उस वाले आइलैंड को कहा जाता है गोलापोगास आइलैंड गोला और ये कुल 22 आइलैंड्स आइलैंड में इसने सफर किया जिनमें 17 स्मॉल थे और पांच लार्ज थे 17 आइलैंड्स वर स्मॉल एंड द 5 आइलैंड्स वर लार्ज और डार्विन ने इस गोलापोगास आइलैंड को इन आइलैंड्स को डार्विन ने अपनी किताब में एक और नाम से नवाजा है जिसको हम कहते हैं लेबोरेटरी ऑफ इवोल्यूशन लेबोरेटरी ऑफ इवोल्यूशन अब डार्विन ने अपनी चार्ल्स डार्विन ने अपनी थ्योरी में कंक्लूड क्या किया हम डार्विन थ्योरी तो सारी नहीं पढ़ा सकते, लेकिन डार्विन थ्योरी का जो निचोड़ था जो मॉरल था वो था क्या याद रहे कि जो डार्विन ने अपनी थ्योरी दी थी असल में ये इन्फ्लुएंस हुआ था यहाँ से चार्ल्स डार्विन की थ्योरी स्टार्ट हो जाती है जो चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी दी थी इससे पहले कि चार्ल्स डार्विन ने जो थ्योरी दी ये इन्फ्लुएंस हुआ था एक साइंटिस्ट से जिसका नाम था मॉल सो so, ने इससे पहले एक थ्योरी दी थी जिसको दुनिया थ्योरी कहती है तो थ्योरी से डार्विन इन्फ्लुएंस हुआ और इसने अपनी एक और थ्योरी दे डाली जिसको हम कहते हैं डार्विन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन सो डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को समझने के लिए हमें मोलथियस थ्योरी का समझना बहुत ज्यादा जरूरी है थोड़ी सी डेफिनेशन में मोलथियस थ्योरी की बता दूं उसके बाद हम चार्ल्स डार्विन को डिफाइन करेंगे और एंड करेंगे तो याद रखें जो मॉलथियस थ्योरी है इसने अपनी थ्योरी में दो टर्म्स कही जिसकी वजह से जो डार्विन है वो इंफ्लुएंस हुआ मॉलथियस ने पहला पॉइंट कहा कि पॉपुलेशन ग्रोस जियोमैट्रिकली पॉपुलेशन ग्रोज जियोमेट्रिकली एज फूड एंड स्पेस एज फूड एंड स्पेस वायरलैस फूड एंड स्पेस ग्रोज अर्थमेटिकली पॉपुलेशन ग्रो जियोमैट्रिकली वायरलैस फूड एंड स्पेस ग्रोज अर्थमेटिकली अब बात को समझने के लिए द इन दो वर्ड्स को समझना जरूरी है जियोमेट्रिक एंड अर्थामेटिक अब समझ ले एक दो वन टू फोर एट सिक्सटीन थर्टी टू अब फिर से काउंट करते वन टू फोर सिक्स एट टेन अब याद रखे यहां से जो ये है काउंट है वो डबल हो रहा है नंबर जो है वो डबल हो रहा है जब नंबर एब्रेपडली इंक्रीज हो जाए रैपिड इंक्रीज हो जाए नंबर में इसे हम कहते हैं जियोमेट्रिक रेशियो वन टू फोर एट सिक्सटीन थर्टी टू सो डबलिंग हो रही है नंबर डबल हो रहे हैं इसको हम कहते हैं जियोमेट्रिक रेशियो व एट डबल तो नहीं हो रहा लेकिन थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा है इसको हम कहते हैं अर्थामेटिक रेशियो सो तो अब याद रखे पॉपुलेशन ग्रोज फूड एंड स्पेस ग्रोज वायटिकली और यहां से क्या किया मॉल ने कहा नेचुरली एन इम्बैलेंस इज क्रिएटेड नेचुरली एन इम्बेलेंस क्यों क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा हो गई ना और फूड जो और फूड और स्पेस जो है वो कम पड़ गई अब क्या होगा वो थ्योरी में हम देखते थ्योरी ने ये दो पॉइंट्स देख के इन्फ्लुएंस हो गया डार्विन और अपनी थ्योरी दी जिसका नाम है डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन अब डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के जो मेन पॉइंट्स है वो उन पे जरा नजर डाली के इन पॉइंट्स पे नजर रखे दिस इज द मॉरल ऑफ डॉर्म थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन डॉर्मिस थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो है उसका निचोड़ यहाँ पे है रैपिड मल्टीप्लिकेशन लेस फूड एंड स्पेस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस यूजफुल वेरिएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन अब समझ लेते हैं क्योंकि इसने माउफिस को देखा था रैपिड मल्टीप्लिकेशन की पॉपुलेशन जो है वो ग्रो हो रही है रेपिडली ग्रो हो रही है और जब पॉपुलेशन रैपिडली ग्रो हो रही है तो इनके लिए फूड भी और स्पेस भी कम पड़ जाता है यानी फूड और स्पेस दोनों कम पड़ जाते हैं तो रैपिड मल्टीप्लीकेशन हुई इसकी वजह से क्या हुआ फूड और स्पेस दोनों लेस हो गए दोनों कम हो गए अब क्या करेंगे अब हर एक को फूड भी चाहिए हर एक को स्पेस भी चाहिए लेकिन हर एक को तो मिलेगा नहीं अब जो स्ट्रगल करेगा उसी को मिलेगा ना स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस अब इस फूड और स्पेस को हासिल करने के लिए स्ट्रगल करेंगे पॉपुलेशन स्ट्रगल करेगी पीपल स्ट्रगल करेंगे एनिमल स्ट्रगल करेंगे जो स्ट्रगल करेंगे इसके बाद इनको ये हासिल होगा ना लेकिन याद रखे स्ट्रगल सब करते लेकिन सबको हासिल नहीं होता तो पहला पॉइंट क्या है रैपिड मल्टीप्लीकेशन जब पॉपुलेशन रैपिडली ग्रो होती है फूड एंड स्पेस कम पड़ जाती है उसके बाद जो एनिमल्स हैं जो ग्रुप है जो पीपल है, है वो क्या करते हैं वो स्ट्रगल करते हैं और स्ट्रगल जब करते हैं जिनमें यूजफुल वेरिएशन होती है अब जिन्होंने स्ट्रगल किया उनमें से जिनके पास यूजफुल वेरिएशन होगी उनको सिलेक्ट करेगा नेचर उनको सिलेक्ट करेगा

जो स्ट्रगल करेंगे अब रेप मल्टीप्लीकेशन हुई फूड एंड स्पेस कम पड़ गया अब क्या करेंगे स्ट्रगल करेंगे अब ये स्ट्रगल दो तरह की हो सकती है ये स्ट्रगल इंट्रान्यूसिन भी हो सकती है इंट्रान्यूसिन जिसको इंट्रा स्पेसिफिक भी कहा जाता है स्पेसिफिक और दूसरी कौन सी होगी इंटरन्यूसिन इंटरन्यूसिन या जिसको हम इंटर स्पेसिफिक कहते हैं अब जो ये स्ट्रगल होगी ये दो तरह की हो सकती है इंट्रोड्यूसिन इंट्रोस्पेसिफिक भी कहते हैं इंटरन्यूसिन इंटर, इंटर स्पेसिफिक भी कहते हैं जब एक ही स्पीशी के ऑर्गेनिज्म के दरमियान स्ट्रगल हो एक ही स्पीशी के ऑर्गेनिज्म के दरमियान स्ट्रगल हो इसे कहते इंट्रोन्यूसिन या इंट्रोस्पेसिफिक स्ट्रगल जिसमें एक एग्जाम्पल आपको आती है कैनाबोलिज्म कैनाबोलिज्म यानी सेम स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म organism, जो ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज स्ट्रगल विद ईच अदर दिस इज कॉल्ड एज इंट्रोन्यूसिन स्ट्रगल जब एक ही स्पीशी के ऑर्गेनिज्म आपस में स्ट्रगल करे इसे न्यूसीन स्ट्रगल कहते हैं और जब डिफरेंट स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म स्ट्रगल करें इसे कहते हैं इंटर स्पेसिफिक और इंटरन्यूसिन जिसमें एग्जाम्पल आपको आती है प्री एंड प्रेडेटर जो आप लवर स्टैंडर्ड्स में पढ़ते हो प्री एंड प्रेडेटर सो जब एक ही स्पीशी के के स्ट्रगल हो जाए कहते हैं जब डिफरेंट स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म के दरमियान स्ट्रगल हो जाए इंटरन्यूसिन स्ट्रगल कहते हैं अब यहां पे सवाल पैदा हो जाता है कि यूजफुल वेरिएशंस किसमें होंगी तो डार्विन का कहना है कि यूजफुल वेरिएशन हम हासिल नहीं करते एनवायरमेंट से जिस तरह से लेमार्क ने अपनी थ्योरी में कहा जिसका नाम है थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड इनहेरिटेंस कि जो ये वेरिएशंस uh, होती है जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये हम एक्वायर करते हैं एनवायरमेंट से फिर ये ट्रांसफर हो जाती है इन द ऑफ स्प्रिंग्स जिसको रिजेक्ट किया था वीज में ने अपनी थ्योरी में जिसको कहते हैं थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म और जिसके बाद लेमार्क uh, को सपोर्ट किया था उसके फ्रेंड ने जिसका नाम था पच्छाड़ उसने टर्म दे डाली थी न्यू लेमार्कज्म तो वो दूर एक अलग टॉपिक है उसमें हम किसी और दिन चले जाएंगे लेकिन फिलहाल याद रखे डार्विन का कहना है कि जो ये यूजफुल वेरिएशन हो जा होती है ये हम एनवायरमेंट से हासिल नहीं करते ये ऑलरेडी प्रेजेंट होती है विद इन द ऑर्गेनिज्म बस ये एक्सप्रेस हो जाती है अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल कंडीशन एनवायरमेंट इनको एक्सप्रेस करता है यानी जो यूजफुल वेरिएशन होती वो हम एनवायरमेंट से हासिल तो नहीं करते वो ऑलरेडी प्रेजेंट होते लेकिन एनवायरमेंट इन यूजफुल वेरिएशन को एक्सप्रेस करता है जिसकी वजह से इंसान सरवाइव करता है जिसमें यूजफुल वेरिएशन होंगी वो क्या करेगा सरवाइव करेगा बाय प्रोसेस कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। अब इस वाली जो नेचुरल सिलेक्शन है इसके बाद एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था हर्बर्ट स्पिनर हर्बर्ट हार्बर्ट स्पिनर तो इसके बाद एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था हार्बर्ट स्पिनर इसने कहा कि ये नेचुरल सिलेक्शन नहीं है नेचर व्हिच अ सेलेक्ट नहीं करता है बस जो बंदा फिट होगा वही सर्वाइव करेगा जो बंदा फिट होगा वही सर्वाइव करेगा यानी स्ट्रगल तो सब करेंगे अब इन स्ट्रगल करने वालों में से जो बंदा फिट होगा जो ऑर्गेनिज्म फिट होगा वही सर्वाइव करेगा वही सरवाइव करेगा तो इसने इसका नाम रखा सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था रोमैंस और रोमैंस ने क्या कहा उसने कहा ये नेचुरल सिलेक्शन नहीं है ना ही ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है इट इज एक्चुअली डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन डिफरेंशियल यानी जो रिप्रोड्यूस करेंगे जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से गुजरेंगे वही सरवाइव करेंगे जिस वाली पॉपुलेशन में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस स्टॉप होगी वो आगे ग्रो नहीं करेगी वो नए स्पीशीज नहीं बनाएंगे क्योंकि कैरेक्टर ट्रांसफर ही नहीं होंगे अब याद रखे जो डार्विन Darwin, डार्विन की जो डार्विन की जो, जो, जो ये थ्योरी थी इसमें दो ड्रॉबैक्स थे एक